तो भक्ता ही कर्ज करे मैंने कैसी लीला धनी करी है और कर्ज करे मैंने ऐसा ऐसा पर्चा दिया है कि डॉक्टर का माइंड खराब हो गया कि और लीला हुई कहीं, क्योंकि लीला ऐसी हुए देवता रे चमत्कार ने डॉक्टर भी माने कि भाई आबे तो हुए तो कोई चमत्कार हुए तो बच जावे नहीं जना मुश्किल है। तो कर्ज करे मैंने चमत्कारी सिद्ध नखत बनाई कर्ज में कैसी कैसी महिमा करी है कई धनी रे की लीला है और सियाणा गांव में परचो दियो नखत बना कैसी लीला करिए भक्तों। अरे के सियाणे अरे गांव में धनी मारा परचो दियो एक जो मेरे भाई नखत इस धनी री अरे शिवरू में कर जोड़ अरे सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे बीरा बीरा मैं मासी दारी ये सुनिया दुख सारा मिट जावे Oh, oh, oh.
तो किसी प्रकार रो परचो दियो सियाने गांव में बाटी कुल में और बाटी परिवार छत्री वंश रे महीने नखदुना किसी प्रकार की मेहर करी भक्तों सियाने गांव में तका सिंह जी नाम जात्रा बाटी सिरदार और ऐसी रोग ऐसी बीमारी लागी डॉक्टरों जांचों कर और कैंसर बता दी। तो कैंसर रो रोग एड़ो है ठा पड़ जावनी और के वहां निकल जावे क्या मेरे कोई उपाय कोनी और कैंसर लागे मचे उपाय ही तो ही जेके मरनो पड़े और सुनिया हुई अनपानी छोड़ जावे और तकत सिंह जी ने कैंसर रोग बता दियो हमें डॉक्टरों को दवाया लेवे जहर गिटे पण रती फर्क नहीं पड़े जठे लागी और कहनी कहो के फलानी जगह डॉक्टर हकेडो है तो नासेट ने कूड़ तैयारी हो जा करे और नासा दौड़ दुनिया करे वही करी और करनो ही पड़े हारिया कहीं कहीं कुराल करनो पड़े क्योंकि जे कठी कोई कारी लाग जो तो बढ़िया ही जाए पण कारी तो कर्मा सारी है और पूर्व जन्म री कोई भक्ति या पूर्व जन्म रा कोई कर्म जाग गया और कैंसर रोग डॉक्टर बता दियो विचार के ले भाई जीव हमें मौत आ गई जिके में कोई फर्क नहीं। तो उन टाइम तकत सिंह जी मन में विचार करे डॉक्टर वाली दवाएं ले कई डॉक्टर के हेक करो कई के दवाई लो और लियो जाओ कई जना के हमें सेवा करो इमें फायदो और कई फायदो नहीं है रिपिया लगाने में सार कोनी क्योंकि वो रोग मिटने लो कोनी। तो उन टाइम में किसी प्रकार तकत सिंह जी भाटी साहब कई मन में विचार करे और कई इन्हें मैंने पूछे और कई दवाइयां ले बड़ो बड़ी हर के औकत बुद्धि बने कचु नहीं लगी एक यारे मोचे मैं तो हिमारों के यो नहीं माने।
और देवता रे नाल ही रात जागे नहीं, जाने पेट्रोल को बड़े नहीं ना पैसा लगे इस जेरा फ्री फंड रही है। जितनी वहां देवता री जय होनी जे जित जितनी वहां बाबू जी रो माटो होनी जे जिते गांव गिरे गोचर भूत बली तो होगी त्या नेड़ा को ठहरे नहीं कोका बोले जाओ तारा नहीं जने हागन मार्गिर मात जे रात्रि टेम वेर चांदनी रात वे अड्डी को आकड़ो वे जे मार्गिर खनी जुए हर आकड़ा तड़कली जे लगती हुए नहीं तो वीर छिया उंडर जाओ कि ये भूत के जो को मिल गयो हे ओ इन्हें मिने माथो धुने यो कोनी आकड़े तड़कली है पण खने क्यों भो मिटे तो नगद बना रे खने गया दुख संगत कहीं रही कोनी जिके मन में विश्वास रखे नहीं मारो बेड़ो पार कर दे। कलजुग रे महीने सोले कड़ा लेर प्रगट हो जाओ भक्तों दादे बबूता सिद्धरी चौथी पीढ़ी में पड़पो तो है आर निकलंग अवतारी है जिके भगत हाचे मनु याद करे अरा दुनेरी बबूती ले जावे तो छत्तीसों रोगी बबूती मिट जावे पण आत्मा में विश्वास हो जावे। नहीं जन कई जना विचार करे ओम सिंह ने गया मंदिर बैठा वो तो बोनी दे दी बबूती ने बोनी ज के बोनी रे बोनी के घर रोई के केरी को मोनी ने आरी ने बबूती ने जे केसर कर परी ले जावे नी तो मोरा छत्तीसों रोग मिटियो सरे आत्मा में विश्वास कर ले जावे जने। तो तक सिंह जी बाटी साहब जठे सुनी भी डॉक्टर दवाया लेनी कई दिन बीकानेर बीरामणी अस्पताल में पठी दवाई चाली पण रोग कटने रो नाव नहीं ले रोग तो दिनों दिन बदियो जावे काया में हो रही नहीं वेनी जने राम राम ही दोरा हुए और जे काया में हो रही नहीं वेनी जे कह देनी के थोड़ा ठाकरो अथई करो तो खारी जहर लगे अथई क्योंकि जिसरो कोनी मयो यो केनो मोने कोनी मो कलजर लागड़ी हो थई केने ओकले हवे टेम तकसीरी रे फर्क नहीं पड़ियो रती और इन्ने मिन्ने देवी देवता रे भोपा भोड़ा रे चक्कर में फिरिया भाई कोई राखड़ी बांधिया जे कोई डोरो बांधिया फर्क पड़ जावे पण बड़ी फर्क तो रती नहीं पड़ियो। तो उन टाइम में एक नखदमना रो नाम सुनियो के कलजुग में एक देव प्रगट होड़ो है नखदमना बबूता सिद्ध और निरंजन बावेरी धाम और कहनी समाचार गिरिया कहनी कहो के ठाकरो एक सोए गौर महीने नखतबनारी धाम में ओम सिंह जी सेवा करे और जे नखतबनारे जाओ जे कोई कारी लाग जावे तो नासेट ने कूड़ प्यारी होया करे विचार के लिए जार तो इतनी बहुत घनी दी उतरे फिरिया और आई मन में क्यों रखो नखतबनारी आलो तो खरी तो कई मन में कूड़ लागे नखतबना नावर और कई कहे हर के गांव सोवे में सिदरो देवरो भाई देवीलाल राणा सारुडा निवासी ऑर्गन प्लेयर भाई आनंद
नोखामंडी श्री बालाजी निवासी पेड़ बजावे सवाई जाजरा गांव निवासी उदत हाल विनाशक जोड़ी बजावे भाई गौतम जागदा आज की भजन संध्या सोवा धाम नखत मनारी एक शाम नखत मनारे नाम पुजारी ओम सिंह जी सेवा करें आर के एकर सोवे धाम जाओ नखत ना थारी फरियाद होनी तो ओवे टाइम तक सिंह जी फगारे पगर की पैर आर नाम ले परा रवाने हुए हैं आर सोवे गांव आवे हैं ओम सिंह जी ने जार पूछे ओम सिंह जी धूप कर परा और कहवे हैं के तक सिंह जी घर में कलेश बिगन हरी बीमारी घने दिनों लागुड़ी के हाँ बाप जी घने दिनों हैं क्योंकि शरीर में डॉक्टर कैंसर बता दियो आर दिन रात नींद उठ जावे इरो नौ ले जने आर दिन रात मन में वही विचार आवे के मौत आ गई जिके में कोई फर्क नहीं है डॉक्टर कहता नहीं घनी दवाया ले ली रहती फर्क पड़ियो कोनी जाड़ा जपटा इधर आ लिया कोई फर्क नहीं पड़ियो है और मन में मारे थवस को है नहीं और ऐसो ही कोई देवता है जो को मारे मन में दिल्ज बंदवे तो हम सिंह जी कहो डरो मती ना थे नखत मना री शरण में आया हो तो नखत मना आप रो छतरी रो धर्म में जो को निभाही और थाने निराश को होने नहीं ठाकरा मन में थे विश्वास राखिया तो तक सिंह जी कह महाराज में विश्वास हो धन रहे खन और साधन कही है विश्वास तो करना ही पड़ी और कोई उपाय कौन और जे नगदी मेहर कर दे और जे स्याई कर दे भलो कर दे तो भी धनी रो उपकार भूलो कौन और मोरे हारू है जेड़ो मैं फूल हारू पौकड़ी मोरी कर हूं
और जे नगद ना मेर करी दे और रोग मिटा दे तो बड़े सही जे काई। तो बेटे में ताके सिंह जी ने कहे क्या दुनेरी भभूति है ओम सिंह जी भभूति दे और कहीं कहे है मन में विचार कर पे और कहीं दिल में नवे है। हर के धुनेरी भभूति ने केसर मनो अरे तुम्हारे ले खाया रे मने पाछा आ जाया और काया कंचन नहीं हुए तो बाड़ो बोंगिया मती ना। पण दो चीज रो पण है मारी दामरी मर्यादा है के दोनेरी बबूती ले जावे नहीं जिकिने दो बातों रो नियम राखनो पड़े। तो पूछियो कई नियम है बोले नगदनारी बबूती जावे तभी घर में दारू और मीट नहीं हुए। बोले बाप जी मैं बपरवाई कौन डरो मती ना और सात दिन तक ये बबूती रो कलश कर घर में बरसाया और थे बबूती लिया। सात दिन में धनी थाने तैयार कर दी मने विश्वास है क्या के घने भरोसे में बबूती दिनी है और नकद ना रो धूप पीर वास्ते करूं के ये धनी जे के लिए बबूती द्रवे तो वे ने रो तो आवे ने जे के ने हस्तो काटी कैरी काया में कष्ट रेवण मत देना थारो ई जोत्रो चांदनो थारी जोत्रो प्रकाश चारु कूट में अरे जोत्री बबूती में करामाते की बबूती री लाज राख दी बाप जी मोर कने जोड़ने हाथे रगड़ने नाके और साधन कहीं को है नहीं।
अठारह वर्ष या बबू की तू ये बबू तेरी लाज रखेला तो बाप जी मारो ही दिशोर हो के धनी मेहर करी और छत्री वंश है और थी छत्री हो और थारे मिंट लगे जी तो काम हो और ये गर्म उजड़ हो जी तो तक सिंह जी सात दिन की बबू ती ले जा घर में बरसाई आप ही ली और सात दिन में एकदम तैयार होने लग गया जने दुख मिटन लग गए जने भरोसा हो जाया करे क्योंकि जितने संगत रहे तो मन मोई लो मोने को नहीं और संगत मिटनो शुरू हुए नहीं जन आत्मा में विश्वास होना शुरू हो जाए कि और देवता अपन संगत मिटाई जगह में कोई फर्क नहीं है। तकत सिंह जी खनिज बैठा है और परसो धनी रो यो है तवेटे में किसी प्रकार की लीला हुए कहीं नगद बनाई लीला करे सियाना गांव में हर के साथ दिनारी बाटी बबूती अरे सात दिनारी बाटी रे बबूती सिमटी धरी रे परिवार सुवे धामा त्यार फेरी लगाई आर धनीरा गुणगान कराया राती जुगो लगायो के दिनिये वादे नकद बना बलोई प्रगटियो धरोरी धरती में काया रे संगत मेट दियो लाखों रुपया दवाई लेता काया रहती कि नहीं रहती पण थारी बबूती हुआ हमारी काया उभी हुई है जिते शरीर में पिंजरे में प्राण रही जिते सीधा थाने बोलो कोनी तो सियाने गांव में तकत सिंह जी ने परचो दियो आर तन मनु धनी री रात जगाई आर धनी रो प्रसाद करियो राती जोगो लगायो
और कहीं तक सिंह जी ने परचो दियो और कहीं ये कभी कल्पना करो और सीधा नो परचो गायो है। अरे भाईरा जागी 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 रे ईशोवे में धाम धनिया रे ¡Gracias!
इसी प्रकार नकदना परचो दियो उजियाड़ो करियो भक्तों ने धीरज बंधाई आर ओम सिंह री बबू तेरी लाज राखी बोले कल्याण नाड़ी रे श्याम की निरंजन बावे की नकसिद बना की जय बोलो केवल मात की।